ठीक है स्टूडेंट्स, देखें मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 का 2.5 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहली बात समझ लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज से ही आते हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको मैं बहुत सही तरीके से आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, लेकिन ये पहले क्वेश्चन से भी आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कभी कभी इनमें से ही पूछ लेते हैं कि उपयोग सर्वसमका का उपयोग करके या आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको क्या करना है, बताना है कि ये हल करना है। आइडेंटिटी का यूज़ करना है, वैसे नहीं हल करना है। एक सिंपल तरीका भी होता है, एक्स का एक्स में इंटू करो, एक्स का 10 में करो, 4 का इसमें, ऐसे भी आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको क्या बोला है, आपको बोला है सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करना है। आपको आइडेंटिटी इसमें जो लगेंगे ये दो ही आइडेंटिटी प्रयोग होंगे। अभी जो सवाल जिस तरह के सवाल लिखे उनमें बस यही प्रयोग हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये लिखी हैं ये याद होनी चाहिए, और भी आइडेंटिटी है इसमें तो याद होनी चाहिए। ये अगर याद नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, ये याद होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें, अब जैसे ये पहला सवाल है, मैंने हल किया इसको सॉल्व, मैंने इस तरह वीडियो बनाया कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आराम से इसको समझ सकते हैं, उसमें कुछ इतना अलग से है ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखें पहला क्वेश्चन है इसका, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। देखो ये इस आइडेंटिटी जैसा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज या आइडेंटिटी लिख दो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हिंदी में क्या लिखेंगे, सर्वसमका इतने का प्रयोग करने पर। इस तरह से हिंदी में लिख दो सर्वसम का इसका प्रयोग करने पर, इंग्लिश में लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना है, मान लो, माना यानी कि लेट, माना क्या माना, देखो एक्स की जगह पे तो एक्स है, एक्स बराबर एक्स है, ए की जगह पे 4 है और बी की जगह पे 10 है, तो इस सर्वसम का प्रयोग कर रहे हैं, इसको लिखेंगे हम एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10 बराबर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह 4 है, 4 प्लस बी की जगह 10 है, बी की जगह 10 है, और एक्स एक्स की जगह एक्स है प्लस ए बी, ए और बी कितना, 4 और 10, 4 × 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14, ये 14x और 4 दाम 40, बस ये आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए, इसको रफ कर दूं। अब आप आगे भी क्वेश्चन इस तरह समझ सकते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में यही सर्वसम का आ जाएगी, क्योंकि ए और बी अलग अलग हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ नोट कर दूं, हम दूसरा क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ये एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 10 है। अब यही वाली सर्वसम का लगेगी, तो एक्स की जगह देखो, एक्स की जगह पे तो एक्स ही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की जगह पे एक्स है और ए की जगह पे 8 है, बी की जगह पे माइनस के 10 है, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेना, किस तरह लिख लेना, एक्स प्लस 8 जो है ऐसे, और इस तरह का ब्रैकेट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक्स प्लस माइनस 10 ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी तो होगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, बी की जगह माइनस 10 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस माइनस के 10 बराबर। तो क्या होगा, देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह एक्स है,
प्लस ए प्लस बी, ए की जगह कितना है 8, 8 प्लस बी की जगह पे माइनस के 10 है। जब इधर ब्रैकेट आ रहा है तो एक बड़ा ब्रैकेट इस तरह का बना देना चाहिए बार, ठीक है। और एक्स की जगह पे एक्स है प्लस ए बी, ए की जगह 8 है और बी की जगह माइनस के 10 है, ब्रैकेट में लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 8 प्लस माइनस का इंटू होता है माइनस के 10, एक्स प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस लगा दो सीधे 8 दाम 80, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या होगा, 10 में से 8 गए माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2x और माइनस के 80, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ आइडेंटिटी आपकी बदल जाएगी, देखो ए यहाँ पे आइडेंटिटी ये लग जाएगी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए, नहीं नहीं ये नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ बी एक जैसा होना चाहिए, यहाँ पे ये अलग अलग है, ये 4 और यहाँ पे ये भी अलग है, तो यहाँ पे अभी यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली। तीसरा सवाल आप करते हैं, तीसरा सवाल करते हैं, तीसरा है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, इसको सही तरीके से लिख लो, 3x प्लस 4 ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे और 3x प्लस माइनस 5 इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो होगा x प्लस x प्लस b, x प्लस a x प्लस b, x की जगह पे 3x है, अब यहाँ चेंज आ गया थोड़ा सा, देखो x की जगह पे कितना है x प्लस ए 3x है x की जगह, b की जगह कितना है 4 और c की जगह पे माइनस के 5, अब इसको लिख लो यहाँ पे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा देखो x स्क्वायर, x की जगह कितना है 3x का स्क्वायर आएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, प्लस ए प्लस बी, ए और बी ये रहे 4 और 5, तो 4 प्लस माइनस 5 ब्रैकेट लगा दो, एक्स एक्स ही आएगा 3x आएगा, प्लस ए बी, ए कितना है 4 इंटू बी कितना है माइनस के 5, इसको हल कर लो, 3 दिया 9x स्क्वायर प्लस, देखो ये पहले लिख लो 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 5, ठीक है 3x प्लस 4 पंचे 20, माइनस के 20 होंगे प्लस माइनस माइनस होता है, अब 9x स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या है, चलो पहले इसको पूरा 5 में से 4 घटा देंगे तो माइनस के 1 बचेंगे, ठीक है ना, और 3x यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस 20, तो 9x स्क्वायर, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 एकम 3 3x माइनस 20, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे के दो क्वेश्चन जो हैं वो इस आइडेंटिटी से हो जाएंगे, ये वाले आइडेंटिटी से, देखो a प्लस बी ए माइनस बी एक जैसे ही है, यहाँ भी देखो a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी इधर उधर लिख दिए उससे कोई अंतर नहीं, तो अब ये आइडेंटिटी से 3 थे, अब वो सेकेंड वाली आइडेंटिटी से 2 सवाल है, अब इनको भी मैं समझा देता हूँ आपको, इन सबको मिटा देता हूँ, तो देखिए अब चौथा सवाल, चौथा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हिंदी में क्या लिखोगे, सर्व समय का इतने का प्रयोग करने पर, प्रयोग इसका करेंगे तो आप लिखेंगे लेट यानी कि माना, देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह पे कितना है वाई स्क्वायर और b की जगह पे कितना है 3/2, ठीक है, तो इस सवाल को यहाँ उतार लेते हैं, इसलिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2
और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो हल करेंगे देखो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ही जगह पे कितना है वाई स्क्वायर, अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3/2, 3/2 का, 3/2 का स्क्वायर, अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा वाई पे घात 4, 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, बस ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम इस वाले को हल कर लेंगे, तो पहले मैं इसको रफ कर दूं, देखो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं लिखे, सीधे यहां देख लो क्वेश्चन, ए की जगह पे कितना आ जाएगा 3 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 3 - 2x, तो क्या हो जाएगा देखो a माइनस b, ये इधर लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ही जगह पे कितना है 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 माइनस 2 × 2 = 4x स्क्वायर, बस आंसर हो गया, ठीक है ना।